120 स्कूप में आपका स्वागत है। आज दर्शकों हमारे बीच मौजूद है मालेगांव से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आपका 120 स्कूप में स्वागत है। दोस्तों, ये मालेगांव की एक ऐसी शख्सियत है जिसने राजनीति में कदम रखा और मालेगांव की राजनीति को जो है एक दूसरी दिशा दी। मुफ्ती साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? मुल्क आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को जो उनका अपना हक था वो मिला नहीं, और ख़ास तौर पर इस बात को महसूस किया जाता रहा कि अगर हम लोगों ने जद्दोजहद नहीं की तो जद्दोजहद ना करने की वजह से जो नुकसान और खसारा और हुकूक का ज़िया और बर्बादी होगी, किसी न किसी दर्जे में उसकी जिम्मेदारी हम पर भी आती है। इसलिए कहीं ना कहीं से इस काम की शुरुआत और आगाज़ होना चाहिए। उसके लिए हमने अपने शहर से इस काम का आगाज़ किया, और उसके लिए हमने पहले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर जो है अपने साथियों के साथ हमने आज से तकरीबन 6 साल पहले कदम रखा था। जो कदम आपने रखा था, शायद उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते रहे, आखिर क्या वजूहत रही होगी उसकी? नहीं, असल में बात कैसी है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए जिन मुसलमान ज़िम्मेदार अफराद ने कुर्बानियाँ दी थी, मुल्क आज़ाद होने के बाद उन्होंने सियासी मैदान को छोड़ दिया जी। और सियासी मैदान को छोड़ देने की वजह से जहां आज हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए और दलितों से ज़्यादा पसमांदा हो गए, उसी के साथ एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुस्लिम समाज और ख़ास तौर पर दीन से जुड़े हुए अफराद, उलमा और इस तबके के लोग ऐसा समझने लगे कि सियासत शजर ममनुआ है और सियासत में आना गुनाह कबीरा है, और सियासत में दीनदार लोगों का, मुसलमानों में यानी दीनी मिजाज रखने वालों का, उलमा का और अइम्मा का कोई मकाम नहीं है, इनका ये काम नहीं है। इस तरह का एक सोच जो बनी थी उसकी वजह से मुखालफत दीनी तबके ही की तरफ से हुई जी। तीसरे महाज का मालेगांव हमेशा से गढ़ रहा है, निहाल अहमद मरहूम जो है वो हमेशा मालेगांव को लीड करते रहे। आपने वहाँ के, आपने एक तीसरा महाज भी बनाया, उसके बाद आप एमएलए भी बने हैं अभी उसके, तो किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? बात कैसी है कि हम लोगों ने तो अपनी बस भर पूरी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वर तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आज जमहूरियत के अंदर कसरत की बुनियाद पर फैसले होते हैं, और इसी वजह से जो है हम लोग बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी नहीं कर सकते। आज जैसे महाराष्ट्र के अंदर 288 एमएलएज पर मुश्तमिल जो है हमारी असेंबली बनती है, उसमें तन्हा एक आदमी क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने मालेगांव के लिए वो किया है जो महाराष्ट्र की तारीख में किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने वो काम नहीं किया। बेघर लोगों के लिए हमने सरकार की जो स्कीम थी घर कुल योजना की, उसमें 11,520 मकानात के लिए हमने जद्दोजहद की थी, और उसमें से 8,000 मकानात बन चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं किसी जगह ये स्कीम कामयाब नहीं हो सकी, हमने इसको मालेगांव में कामयाबी के साथ इसको हम किनार किया। जिस तरह से किसी ने कहा है कि कत्ल ऐसा हुआ किस्तों में मेरा, कभी बदले खंजर कभी कातिल बदल गए, इस देश में समाजवाद के नाम पर किसी समाजवादी पार्टी ने लूटा, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर कभी बहुजन समाज पार्टी ने लूटा, सेकुलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस ने लूटा, और हिंदुत्व के नाम पर कभी भाजपा ने लूटा, तो क्या आप देश में कोई तीसरा विकल्प देखते हैं अभी? नहीं, बात कैसी है कि हमने तो इस प्रोग्राम ये बनाया कि पहले अपना घर दुरुस्त किया जाए जी, और पहले अपने घर की तकालीफ ख़त्म की जाए। उसके लिए हमने मालेगांव से शुरुआत की। मालेगांव कॉरपोरेशन में पिछले 5 साल जो है हमने कांग्रेस के साथ पैक्ट करके काम का आगाज़ किया था, तो 11,520 मकानात की स्कीम ला करके हमने उसको बहुत कामयाबी के साथ चला रहे हैं। 8,000 मकानात की तामीर हो चुकी है, और उसी के साथ हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि मालेगांव के जितने इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज से जुड़े हुए, मुसलमानों से जुड़े हुए, जिसमें तालीम के साथ साथ रोज़गार भी है, उसके लिए हम जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसी है कि केंद्र सरकार ने, मरकजी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के लिए 5 पॉलिटेक्निक और 11 आईटीआई देने का फैसला किया था, और मालेगांव के, महाराष्ट्र के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं वो मुझे किसी को मौका देती है तो ऐसे ही शख्स को मौका देती है जो मुसलमानों का हमदर्द और खैरखाना हो।
और जो सरकार की पॉलिसियों को एक नंबर पर रखे और अपने हम मजहब अपने भाइयों को दूसरे नंबर पर रखे। जी, तो जो महाराष्ट्र में जहाँ माइनॉरिटीज की बात होती है या मुसलमानों की बात होती है, तो इसको लेकर जो विकल्प सामने आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले UDF आया था, अब वेलफेयर पार्टी आई है, फिर इसी तरह के और विकल्प देश में डेवलप हो रहे हैं, तो क्या आप भविष्य में ऐसा कोई तालमेल करना चाहेंगे उनसे? नहीं, हम मैंने तो आपसे ये बात की, हम पहले ये चाहते हैं कि हमारा अपना घर दुरुस्त हो जाए, हमारे अपने मसाइल हल हो जाए, और हम वही करना चाहते हैं जो हम कर सकेंगे। हम और पार्टियों की तरह लोगों को सब्ज बाग दिखा करके, लोगों के दरमियान जा करके ऐसे बुलंग बांग दावे करके और झूठी आस दिला करके कोई काम नहीं करना चाहते। 5 साल का अरसा गुजरा, हमारे लिए शुरुआत के जो दिन थे बहुत उम्मीद अफजा, बहुत हौसला अफजा थे, पूरे महाराष्ट्र में हमारे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हम समझते थे कि काम बढ़ा लेने से मसले हल नहीं होंगे, जो हम कर सकते हैं हमें वही करना चाहिए। जी। वरना कैसा होता है कि बहुत सारी पार्टियों के पीछे लोग आस और उम्मीद के साथ लगते, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो जितनी तेजी के साथ लोग साथ में आते हैं उतनी ही तेजी, बल्कि उससे ज्यादा तेजी के साथ उसे छोड़ भी देते। तो हम ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने मालेगांव से बाहर अभी कोई कदम नहीं रखा। हम अगर अपने मकाम पर कामयाब हो जाते हैं तो उस कामयाबी को ले करके हम लोगों के दरमियान जाएंगे, और मायूसी नहीं है हमें, लोगों ने जिस तरह हमारा साथ दिया है और जिस तरह हम अपने शहर में काम कर रहे हैं उससे हमें तजुर्बा भी मिल रहा है, रास्ते भी समझ में आ रहे हैं, और दुश्वारियां और रुकावटों का अंदाज़ा भी हो रहा है कि कोई बड़ी सियासी पार्टी नहीं चाहती कि कोई ऐसा यानी सियासी प्लेटफॉर्म वजूद में आए जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करे, उनको उनका हक दिलाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करे, और मुसलमान किसी तरह उभर करके सामने आए और उनको उनका हक मिल जाए। कोई सियासी पार्टी इस मामले में हमारे लिए मुखलिस नहीं। जी, मालेगांव की बात करें तो दो भी सामने आते, एक तो बुनकर और दूसरा बम ब्लास्ट। तो पहले हम बात करते हैं बुनकरों की, बुनकरों को लेकर मालेगांव की क्या समस्याएं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में क्या समस्याएं, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं? दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र में इस सनद से माइनॉरिटीज जुड़ी हुई है, बल्कि यूं कहिए कि इस सनद से हमारा मुसलमान जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि पूरे देश के अंदर आप देखोगे 25 लाख सादा पावर लूम है, उसमें से 12.5 लाख पावर लूम महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भिवंडी, उसके बाद मालेगांव, यहाँ पर जो है 8 लाख पावर लूम भिवंडी में है और तकरीबन 2 से 2.5 लाख पावर लूम जो है मालेगांव में है, और फिर कुछ शोलापुर है, वेटा है, इचलकरंजी है, उन मकामात पर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सनद से पारचा बाफी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, यही वजह है कि आप देखोगे सादा पावर लूम के लिए सरकार ने कभी किसी तरह की कोई स्कीम, किसी तरह की कोई सहूलत, कोई सब्सिडी नहीं दी है। शुरू से लेकर के आज तक जद्दोजहद की जाती रही है, लेकिन जिन लोगों को भी जो है टेक्सटाइल का मिनिस्टर बनाया जाता रहा, उन्होंने कभी सादा पावर लूम की तरफ जो है नज़र नहीं की। और अभी दुख की बात यह है कि सरकार ने MSRC जो बनाया, रेगुलेटरी कमीशन जो बनाया, और बिजली के लिए कंपनी जो उन्होंने बना दी, उस कंपनी को अगर 5,300 करोड़ रुपये का खसारा होता है तो उस खसारे को वसूल करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम के ऊपर ये बोझ डाल दिया। पहला सवाल तो ये है कि अगर आपने कंपनी बनाई है और वो कंपनी बिजली खरीद करके बिजली फरोख्त करती है तो नफा नुकसान की जिम्मेदार वो कंपनी है। मेरा ये सवाल है सरकार से कि अगर उस कंपनी को फायदा होता तो क्या वो नफा हम लोगों के दरमियान तकसीम किया जाता? जब पीछे नफा हुआ और कभी उन्होंने तकसीम नहीं किया, तो आज खसारा होने के बाद उनको महाराष्ट्र की आवाम से वसूल करने का भी कोई हक नहीं। अच्छा, उन्होंने बड़ा काम ये किया कि अगर 5,300 करोड़ रुपया वसूल करने के लिए उन्होंने शेतकरी लोगों पर सिर्फ 1.5% डाला है, और 40% से लेकर के 60% तक का बोझ उन्होंने पावर लूम वालों पर डाला है। ये खुला हुआ जुल्म और खुली हुई ज्यादती है, उसके लिए हम लोग पिछले हफ्ता सदन के अंदर जो है मुसलसल हम लोग जद्दोजहद और कोशिश करते रहे, आवाज़ बुलंद करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से मिनिस्टर ने ये आश्वासन दिया है कि हमने इसके लिए एक रानी सब कमेटी बनाई है,
उसका अहवाल आ जाने के बाद हम आपको इंसाफ देंगे और ये इजाफी बिजली बिल जो है इसके ताल्लुक से कोई हम अच्छा फैसला करेंगे। जी ये तो बात हुई बुनकरों की, जो जख्म मालेगांव को दिए है सांप्रदायिक शक्तियों ने, लेकिन वो चेहरा जो है बहुत बाद में बेनकाब हुआ, तो वो जख्म आज वहाँ के जो युवा है, सिर्फ मालेगांव की बात नहीं, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश की बात, कि जब भी कोई ऐसे हादसे होते रहे तो एक शक की सुई हमेशा मुस्लिम युवाओं के ऊपर चलती रही, लेकिन शहीद हेमंत करकरे के बाद से या मालेगांव ब्लास्ट के जो मुजरिम उजागर हुए उसके बाद से जो है सुई दूसरी तरफ भी पलटने लगी, तो आज क्या मालेगांव की स्थिति है? मैं मालेगांव का एक सपूत हूँ, इसलिए इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ। मालेगांव में जिस वक्त मेरे घर के पड़ोस में ही ये ब्लास्ट हुआ था, जिसकी आवाज़ और जिसके असरात मेरे घर तक आए थे, उस मौके पर हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि मरे भी हम ही लोग, नुकसान भी हमारा ही हुआ और इल्ज़ाम भी हम पर ही लगा, और हमारे ही नौजवान जो गिरफ्तार किए गए, जेलों की सलाखों के पीछे डाले गए, और आपको मैं ये बताता चलूं कि ऐसे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था जिनकी गिरफ्तारी की वजह से तीन नस्लों के ऊपर उनके असरात पड़ते हैं। एक तो जिन गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपया खर्च करके उनको तालीम दिलाई थी, जब वो बच्चा पढ़ लिख करके काबिल हो गया, आज वो अपने पैरों पर खड़ा था, बरसरे रोजगार था, समाज में बाइज्जत निगाहों से देखा जाता था, ऐसे शख्स को जब उन्होंने अरेस्ट किया तो माँ बाप की पूरी कमाई भी कोलेप्स हो गई, इसका अपना हाल भी तबाह बर्बाद हो गया, और इसके बाद आने वाला उसका मुस्तकबिल यानी उसकी नस्ल, उसकी औलाद के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आया कि ये एक ऐसे शख्स की औलाद है जो बम ब्लास्ट का मुजरिम है, हालांकि मुलजिम है लेकिन उनको मुजरिम बना करके पेश किया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे लोग हैं जो हक को हक और नाहक को नाहक कहते हैं। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। शहीद हेमंत करकरे ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आज बम ब्लास्ट के उनवान से जो मालेगांव के नौजवान गिरफ्तार थे, उन जमानत पर उनकी रिहाई हो चुकी है, और NIA ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके पेश नज़र हमें बहुत उम्मीद है कि ये इल्ज़ाम शहीद हेमंत करकरे ने जिस तरह मुसलमानों और इस्लाम की पेशानी से हटाया और इस तरह बेनकाब उन लोगों को किया जो लोग मुल्क के दुश्मन थे, मुल्क के अमन अमान के दुश्मन थे, इस मुल्क में बसने वालों के दुश्मन थे, ये चेहरे को बेनकाब करके बता दिया कि ये वो फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो देश को और देश में बसने वाले लोगों को तोड़ने के दर पर। 2014 के चुनाव को लेकर आप सेकुलर वोटों के बंटवारे को किस तरह रोकेंगे, और दो बड़ी पार्टियां उनको क्या संदेश देंगे, इसके साथ साथ देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2014 का आने वाला इलेक्शन आज कुछ ऐसे वाजे तौर पर तो हम लोगों के सामने नहीं है कि क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन जब से ये देश वजूद में आया है, अंग्रेज़ों ने देश की आज़ादी से पहले जो तरीका कार इख्तियार किया था कि डिवाइड एंड रूल, के लड़ाओ और हुकूमत करो, बांटो और हुकूमत करो, वही तरीका आज बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने भी इख्तियार किया है। मुस्लिम जो वोट होते हैं, मुस्लिम वोटों का बंटवारा ये कई तरह से करते हैं। एक तो जैसे आपने देखा होगा कि जब वार्ड का बंटवारा करते हैं तो उस वार्ड के अंदर जो रेखा वो कायम करते हैं, जो लकीर वो खींचते हैं, वो इस तरह की होती है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाए, कुछ मुस्लिम वोट इस तरफ हो जाए, कुछ इस तरफ हो जाए, यानी हमारा जो पावर है, हमारा और हम जो है बैलेंसिंग पोजिशन में जो होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह पूरे देश के अंदर जो है फ़िरका परस्त ताकतों का तो प्रोग्राम है ही, जिनके चेहरे पर सेकुलर होने की, जमहूरियत पसंद होने का नकाब है, वो लोग भी यही काम करते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया जाए और अपने इक्तदार के लिए मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल किया जाए, और इक्तदार में आने के बाद फिर मुसलमानों की हैसियत वो होती है जो आपने देखा होगा टेनिस खेलने वाले की हैसियत होती है कि प्लेयर तो कुछ और होते हैं, ग्राउंड में कुछ और लोग होते हैं, गेंद अगर जो है बाहर चली जाती है तो उसको उठाकर लाने की जो हैसियत और जो मकाम होता है वो आज हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों का है। या यूं कहिए कि जैसे बारात में बैंड बाजे वाले लोग होते हैं कि वो बारात चलती है तो सबसे आगे आगे होते हैं, लेकिन जिस वक्त वो बारात के शामियाने तक पहुँचते हैं तो उनको गेट के बाहर ही रोक दिया जाता है और बारात अंदर चली जाती है। यही हाल आज सियासी फील्ड में भी है कि मुसलमानों
किसानों को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि ये इस पोजीशन में ना रहे कि अपनी मर्जी से वो किसी को इख्तदार दिला सकें, अपनी मर्जी से किसी को इस फील्ड से बाहर कर सकें। ये उनकी साजिश और प्रोग्राम है। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा मुसलमानों को कि फिरका परस्त ताकतों की या जो आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ऐसे लोगों को समझें और मुत्तहिद हों, मुस्लिम मसाइल और मुस्लिम वोट की कदर कीमत को पहचाने। आज दुख की बात यह है कि हमें अपने मसाइल का भी इदराक नहीं, हमारे मसाइल क्या हैं हमारे आने वाली नस्लों और नौजवानों को पता नहीं। हम जज्बात में बह करके कुछ इस तरह का वक्ती फैसला कर लेते हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। इसलिए दो बातें हमारे आने वाले नौजवान नस्लों को सामने रखना चाहिए। एक तो मुस्लिम मसाइल, हम किन मसाइल से घिरे हुए, हमारे क्या मसाइल, उन मसाइल को समझ करके अपने वोट की कीमत समझना चाहिए कि हमारा वोट ही मुल्क के अंदर किसी को इख्तदार दिला भी सकता है और किसी का जनाजा भी उठा सकता है। जी, आपने जिस तरह बात की कि इख्तदार दिला सकता है, दिल्ली को हम देखते हैं बहुत ही करंट उसमें कि दिल्ली में जो दो बड़ी पार्टियों को वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो आप क्या समझते हैं कि नया बदलाव जो है देश के अंदर आ रहा है, और अगर वहाँ से केजरीवाल की तरफ से अगर आपको कोई ऑफर आता है तो आप उस पर क्या पहल करेंगे, या वेलफेयर पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो आपकी क्या पहल होगी? बात ऐसी है कि जैसे केजरीवाल साहब ने जो प्रोग्राम देश के सामने रखा है, पहले उन्हें दिल्ली के अंदर अपना ये प्रोग्राम कामयाबी से चलाना चाहिए। जैसे मुल्क के अंदर आज जितनी भी पार्टियां हैं उन पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो महंगाई के साथ भ्रष्टाचारी का है। महंगाई की मार गरीब समझता है, जिनकी तिजोरियां रुपये पैसे से भरी हुई हैं उनके लिए महंगाई कोई महंगाई नहीं, उनके पास तो इतने पैसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम इसको कहाँ खर्च करें। आज हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं। अगर ये हजारों और लाखों करोड़ रुपए के घोटाले रोक दिए जाएं, देश से महंगाई दूर हो जाएगी, देश पर जो कर्जा है वो कर्जा उतर जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत अमली तौर पर कहीं होना चाहिए। आज अभी जिन रियासतों के अंदर बड़ी पार्टियों को लोगों ने बैकफुट पे डाल दिया है, सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान की आवाम मुतबादिल को तलाश कर रही, ऑप्शन देख रही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं। अब हमारे आज तक सूरत हाल ये रही कि हमारे आगे खड्डा रहा, पीछे खाई रही। हम अगर पीछे हटते हैं तो खाई में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो खड्डे में जाते हैं। तो दो बड़ी मुसीबतों में से एक छोटी मुसीबत को इख्तियार करने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारा कम से कम नुकसान हो। लेकिन इसी के साथ अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है, जैसे अभी जो है होने वाले कुछ चार पांच रियासतों के अंदर जो असेंबली इंतखाबात हुए, उन्होंने बता दिया कि लोग मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। अगर उनके सामने मुतबादिल आता है तो वो मुतबादिल को ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक पैगाम है, या यूं कहना चाहिए कि ये एक रिएक्शन और रद्द अमल है। गवर्नमेंट को, खास तौर पर बड़ी सियासी पार्टियों को यह समझ लेना चाहिए, बहुत दिनों तक किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लोग समझने के बाद भी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए जो है ये एक पैगाम है, और बड़ी हुकूमतों को समझ लेना चाहिए, बड़ी पार्टियों को समझ लेना चाहिए। अगर उन्होंने इससे सबक नहीं लिया तो फिर 2014 का आने वाला इलेक्शन उन्हें बता देगा कि घर का रास्ता किधर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वन टू वन स्कूप से बातचीत की। फिर किसी समय आपसे किसी मुद्दे पर बात करेंगे। ये थे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब मालेगांव से, जो मालेगांव में थर्ड महाज बना चुके हैं, उसके साथ साथ अभी MLA की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बुनकरों के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, और आपने दो बड़ी पार्टियाँ जो देश की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है उन्हें भी इस बात से आगाह किया है कि आने वाले दिन जो है उनके लिए बेहतर नहीं है। अगर वो इसी तरह से चलते रहे तो देश की जनता जो है देश से उन्हें उखाड़ फेंकेगी। मैं शकील अहमद जहांगीर, वन टू वन स्कूप के लिए।